बहुत ही ज्यादा यहाँ पर शाम शाम को आरती चलती है। तो दोस्तों, मैं अपने स्टडी टेबल पे आ चुका हूँ और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, आप देख सकते हो। वैसे मैं सुबह 6 बजे उठने वाला था लेकिन नहीं उठ पाया, उठते उठते 7 बज गया। तो आज से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन रेलवे में लोको पायलट की भर्ती बहुत ही जल्दी निकलने वाली है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और मैं इस बार कोई रिस्क भी नहीं ले सकता क्योंकि इस बार हर हाल में जॉब लेना ही है। इसलिए मैं अभी से ही उसका सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ क्योंकि पता नहीं कब वैकेंसी आ जाए और उस समय सिलेबस ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा बस एक ही फोकस रहेगा, सिर्फ लोको पायलट और एक और एग्ज़ाम है हम लोग का, स्टेट का एग्ज़ाम, बस उसी का। सिर्फ 2 एग्ज़ाम के लिए मैं अपने पढ़ाई करूंगा और सबसे पहले एग्ज़ाम है लोको पायलट। सबसे ज़्यादा फोकस लोको पायलट पर रहेगा और सेकंड में रहेगा अपना स्टेट का एग्ज़ाम झारखंड जैसे CGL का। तो दोस्तों, सबसे पहले लोको पायलट के लिए मैं मैथ पढ़ने वाला हूँ। अभी सुबह में आदित्य रंजन सर से उसका बैच मैंने परचेस किया हुआ है। तो वैसे मेरा मैथ ही सब कम्प्लीट है लेकिन मैं फिर से एक बार पढ़ने वाला हूँ क्योंकि इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि इस बार जॉब तो हर हाल में लेना ही लेना है। इसलिए मैं मैथ शुरू से पढ़ने वाला हूँ, उसका प्रॉपर नोट्स भी बनाऊंगा क्योंकि अभी उसका वैकेंसी आने में टाइम है। तब तक मैं इसका मतलब 1-2 महीने में मैं मैथ कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद साइंस के तो साइंस के एस के जाके पास तो चल ही रहा है। तो दोस्तों, अगर आपका भी ITI कंप्लीट है और आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों अभी से ही आप उसका तैयारी करना स्टार्ट कर दो क्योंकि बहुत ही जल्दी लोको पायलट की भर्ती आने वाली है और साथ ही साथ रेलवे में रेलवे RPF की भी वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है। और जब भर्ती आ जाएगी तो उस समय तैयारी करने का टाइम भी नहीं मिलेगा क्योंकि इस बार रेलवे बहुत ही फास्ट चल रहा है, ज़्यादा समय नहीं लेगा वो अपने एग्ज़ाम वगैरह लेने के लिए। तो अगर आप लोग अभी से ही तैयारी करोगे तो आगे चलकर एग्ज़ाम में पास हो पाओगे। तो अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा टाइम इधर उधर बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, मैं अभी अब पढ़ने वाला हूँ। मैं अभी तो सुबह सुबह 7 बजे हैं तो मैं सुबह में मैथ पढ़ लेता हूँ, 2 लेक्चर पढ़ लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या पढ़ना है। तो चलिए मैं अपना लैपटॉप खोलता हूँ और पढ़ना स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों, मैंने अभी परसेंटेज से स्टार्ट किया हूँ, पहले परसेंटेज ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद आगे प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद ऐसे चलते रहेगा। पहले अर्थमेटिक में ख़त्म करने वाला हूँ, उसके बाद एडवांस में चलेंगे क्योंकि मेरा अर्थमेटिक तो पहले से ऑलरेडी ख़त्म है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अर्थमेटिक पढ़ने में। मुझे एडवांस पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने एडवांस आज तक नहीं पढ़ा हूँ, सिर्फ अर्थमेटिक ही मैं पढ़ा हुआ हूँ। एडवांस में कुछ कुछ चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ हूँ और अच्छा से भी नहीं पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए एडवांस मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं अर्थमेटिक कम्प्लीट कर ले रहा हूँ और मुझे ये मैथ तो पूरा कंप्लीट मार्च या अप्रैल मध्य बीच तक कंप्लीट कर लेना है क्योंकि उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या करना है। पहले मैथ कंप्लीट करना क्योंकि मैथ भी बहुत ज़रूरी है, छोटा छोटा क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलती हो जा रहा है। इसलिए मैं बैच परचेस कर लिया और मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ क्योंकि इस बार ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो चलिए मैं अपने पढ़ाई स्टार्ट कर ले रहा हूँ। दोस्तों, परसेंटेज का मैंने 2 लेक्चर देख लिया हूँ और मैं अभी तीसरा लेक्चर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्त, अगर आपका भी मैथ कंप्लीट नहीं है तो आप भी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, चाहे YouTube से कीजिए या बैच परचेस कीजिए, जैसे करना है आप प्रॉपर नोट्स बना के, आप उसका चैप्टर वाइज नोट्स बना के आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। नहीं तो एक बार वैकेंसी आ गई तो फिर आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्त। तो जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए, अभी भी समय है,
अभी भी देर नहीं हुआ है तो आप देख लीजिए, जैसे करना है आप कीजिए, लेकिन आप कीजिएगा जरूर दोस्तों। दोस्तों अभी 9 बजने वाले हैं, 9:15 बज रहे हैं, तो मैं कुछ नाश्ता कर ले रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मैं क्या खा रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो कि ये रात का रोटी था, मैंने 2 एक्स्ट्रा रोटी बना के रखता हूँ सुबह के नाश्ते के लिए, क्योंकि भूख लग जाता है इसलिए खाना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये रात का रोटी रखा हुआ था जो मैं अभी खा रहा हूँ सुबह सुबह, उसके बाद दोपहर में खाना बनाऊँगा तो मैं खा लेता हूँ, उसके बाद फिर बात करता हूँ आपसे। तो दोस्तों मैंने नाश्ता कर लिया और मैं 7 बजे से पढ़ने स्टार्ट किया था, और मैंने मैथ का एक सेशन ले लिया था और एक सेशन और अभी मैं पढ़ूँगा, क्योंकि मैं एक दिन में 2 वीडियो देखता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके। तो चलिए मैं देख लेता हूँ। दोस्तों अगर आपका भी मैथ अगर अच्छे से नहीं बनता है तो आप एक बार इस सर का, आदित्य रंजन सर का वीडियो देख लीजिएगा, इसका कोर्स खरीद लीजिएगा, या तो आप यूट्यूब में पढ़ लीजिएगा या तो उसका कोर्स खरीद लीजिएगा, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर आपका कंप्लीट नहीं है मैथ तो एक बार इसका क्रश देख कर देखिएगा कि कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। वैसे मुझे अच्छा लग रहा है इसके पढ़ने इससे पढ़ने से, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। तो दोस्तों मैं कंप्लीट कर ले रहा हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ, तब तक आप अच्छे वीडियो टेक्निकल इशू हो जाता है ना। और दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इस टाइम पर हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नाम देखो कितने शानदार आईटी और रौनक कुमार कोमल सर, साउंड एकदम साउंड बढ़िया यार, इतनी बढ़िया आवाज़ है, बताओ। तो दोस्त अभी 10:30 बजने वाले हैं और मेरा आज का सेशन कंप्लीट हो गया है मैथ का, और अब कुछ और पढ़ लेता हूँ 1/2 घंटा, उसके बाद फिर मुझे खाना वाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि खाना वाना तो अपने बनाना पड़ता है, बाहर में रहते हैं तो अपने बनाना पड़ता है खाना पड़ता है। तो चलिए कुछ और पढ़ लेता हूँ 1/2 घंटा, उसके बाद फिर मिलेंगे आपसे, तब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्त झारखंड का जीके है तो मैं ये वाला पढ़ ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैं झारखंड का भी तैयारी करता हूँ, लोको पायलट का भी तैयारी करता हूँ, तो दोनों मिला जुला के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो एक एग्ज़ाम के पीछे नहीं रह सकते। अगर ये वाला नहीं निकला तो कुछ बैकअप में रहना चाहिए ना, इसलिए मैं झारखंड का भी तैयारी करता हूँ, साथ साथ लोको पायलट का भी तैयारी करता हूँ, इसलिए मैं झारखंड जीके भी पढ़ ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैंने पढ़ा नहीं हूँ, इसका भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम 2-3 महीने या 4 महीने में जब भी होगा। झारखंड में वैसे एग्ज़ाम जल्दी जल्दी होता नहीं है, बहुत लेट से होता है, पता नहीं कब होगा, लेकिन अपना तैयारी तो करना पड़ेगा ना। तो ठीक है चलिए मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मिलूँगा शाम को, गंगा नदी तरफ घूमने जाएंगे, उसमें मिलूँगा आपसे, क्योंकि आज संडे है तो गंगा नदी तरफ घूमने के लिए जाऊंगा, तो मिलेंगे शाम को, तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्त आप देख सकते हो कि शाम के 6 बजे हैं और मैं गंगा घाट में हूँ, आप देख लीजिए कि कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर संडे और सैटरडे को, यहाँ पर गंगा घाट में, गंगा घाट पटना में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पर शाम को आरती चलती है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट में यहाँ पर जमा होता है आरती लेने के लिए। तो आप देखिए पूरा वीडियो और बताइएगा कि कैसा है।
आरती खत्म। तो दोस्त आरती ख़त्म हो चुका है और सब कोई आरती ले लेकर अपना अपना रूम जाने लगा है। मैंने भी आरती ले लिया हूं और आप देख सकते हो कि कैसा माहौल है यहां पर। तो दोस्त अगर आप भी यहां पटना में रहते हो तो आप भी यहां पर कभी कभी घूमने के लिए जाया करो, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप उतना ही पढ़ें जितना कि सिलेबस में पूछा जाता है। इसलिए आप यहाँ पर कभी कभी घूमने भी आया करो, क्योंकि यहाँ पर घूमने से माइंड फ्रेश हो जाता है और पढ़ने में और भी अच्छा लगने लगता है। तो आप भी अगर रहते हो तो आप भी यहाँ पर घूमने के लिए ज़रूर आइए। और मैं भी प्रसाद लेने के लिए जा रहा हूँ, देखिए आप कितना सारा भीड़ है यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए। तो मैं भी आ चुका हूँ लेने के लिए भी। तो दोस्त मैं भी प्रसाद ले चुका हूँ और अब बाहर निकल रहा हूँ। तो दोस्त मैं भी अपने रूम जा रहा हूँ, तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। चलिए बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।